नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में 11 स्पेशल के साथ। मैं हूं आसिया। झारखंड में कोरोना महामारी में वैक्सीन की रेट को लेकर सियासत तेज है। इस बात को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने है। एक देश एक रेट की मुखालफत करने वाली कांग्रेस का इस मामले को लेकर राजभवन जाना बीजेपी को रास नहीं आ रहा। एक रिपोर्ट। महामारी में जारी सियासी संग्राम, एक देश एक रेट की हो रही है मांग। कांग्रेस ने की राज्यपाल से मुलाकात। बाबूलाल ने कहा झारखंड में वैक्सीन कम सियासत ज्यादा। सियासी संग्राम में कूदा जेएमएम। बाबूलाल को बताया मानसिक रूप से गड़बड़। महामारी में भी सूबे में सियासी संग्राम जारी है। वैक्सीन के रेट को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने है। इस बीच एक देश एक रेट की मुखालफत करने वाली कांग्रेस का इसी मसले पर राजभवन जाना बीजेपी को पच नहीं रहा। अपने खरीदेंगे 150 रुपये प्रति वैक्सीन और राज्यों को खरीदना होगा 300 रुपये। मेरा ये कहना है, हम लोग का कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि आप तो बजट में व्यवस्था किए थे 35,000 करोड़ का कि वैक्सीनेशन के अलग से रख रहे हैं। वो 35,000 करोड़ का क्या हुआ, कहाँ चला गया, अब क्या कर रहे हैं उसका, और ये भेद क्यों कर रहे हैं 45 से ऊपर और 45 से नीचे, 18 प्लस से 44 और 45 प्लस ऊपर, ये भेद नहीं होना चाहिए नागरिकों उम्र के आधार पर। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि किस राज्य को किस दर में वैक्सीन मिलेगा यह मसला केंद्र सरकार और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के बीच का है। झारखंड में वैक्सीन कम पर वैक्सीन को लेकर सियासत ज्यादा हो रही है। बाबूलाल मरांडी ने बिस्लरी का उदाहरण देते हुए कहा कि एक पानी के बोतल की कीमत बड़े होटलों और रेस्तरों में अलग होती है और उसी बोतल की कीमत फुटपाथ पर अलग होती है। बाबूलाल मरांडी ने वैक्सीन को लेकर राज्यों द्वारा ग्लोबल टेंडर में भाग लेने पर भी सवाल उठाया है। सरकार परचेज कर रही है, क्या फार्मूला है, क्या नहीं है, बाकी हम उस पर कुछ नहीं बता सकते। ये तो कहा जा रहा है कि एक देश यहाँ तक वो लोग एक रेट बता रहे थे, मैं समझता हूँ कि ये लोगों की उसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है, क्योंकि तो अगर आप अलग अलग देखे होंगे ना बहुत सारी चीज़ें। मैं एक सिंपल बता रहा हूँ, एक बिस्लेरी का पानी है, बढ़िया होटल में चले जाओ तो अच्छा उसका कीमत बढ़ जाता है, लेकिन वही अगर आप फुटपाथ पर लीजिए तो उसका कीमत बढ़ जाता है। हम लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए तो होटल वाला हम लोग वही उसी पानी को नहीं पीते, तो बाहर से हम लोग खरीद करके ले आते हैं और वहाँ रखते हैं, रोके रख देते हैं, तो भेजा भेजा करते हैं। इसके लिए मैं कह रहा हूँ, ये इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ, जो एक कदम एक रेट या मतलब ये हर जगह एक प्रकार से नहीं चलता, इसलिए मैंने इस बात को बताया। केंद्र की सरकार ने 55 लाख इनको निशुल्क दिया है, राज्य सरकार के दोनों मंत्री हैं, थोड़ा वो बताने का काम करे कि राज्य की सरकार ने एक भी वैक्सीन खरीदने का काम किया है क्या। सिर्फ और सिर्फ 137 वैक्सीन बर्बाद करने वाला देश का सबसे मिसमैनेजमेंट का उदाहरण अगर कहीं देश में देख सकता है तो झारखंड में देखा जा सकता है। बाबूलाल मरांडी के इस बयान के बाद सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अब वैक्सीन की रेट को लेकर मचे सियासी संग्राम में कूद पड़ी है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि सीएम बनने का ख्वाब देखते देखते बाबूलाल अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, लिहाजा केंद्र और राज्यों के बीच का वो फर्क नहीं कर पा रहे। जी गलत बयानी कर रहे और हमको लगता है कि वो मानसिक तौर पर उनका संतुलन बिगड़ चुका है। अब वो बिस्लेरी बोतल की बात करते हैं कि फुटपाथ पे जाने से बिस्लेरी की बोतल जिस दाम में मिलती है 5 स्टार में अलग होता है। बाबूलाल जी आप विदेश जाते हैं, आप बड़े आदमी हैं, लेकिन झारखंड में तो हम लोग गरीब लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं, आदिवासी है, मूलवासी है, अल्पसंख्यक है, तो उनको कहाँ विदेश जाने का मौका मिला कि वो कंपेयर कर पाएंगे कि आपको अल बुर्ज में आप ठहरते होंगे, आप और भी बड़े बड़े जगह में जाते होंगे, थाईलैंड वगैरह में भी आप जाते होंगे, तो वहाँ बड़े होटल होते होंगे, वहाँ की रेट अलग होगी। हम लोगों को नहीं मालूम, हम लोगों को मालूम है कि दवाई यदि कैलपोल सिप्ला का यदि कश्मीर में जिस दाम पे बिकता है वो उसी दाम पे वो कन्याकुमारी में भी बिकता है। झारखंड में पहले सरकार ने
18 से 44 साल वालों को फ्री वैक्सीन देने की बात कही, फिर फ्री वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र से गुहार लगाई और अब एक देश एक रेट की बात कह रही है, जिस पर पूर्व की तरह ही सियासत जारी है। कैमरामैन अभय प्रसाद के साथ राकेश कुमार, न्यूज 11 रांची। महामारी में एक अलग ही संग्राम जारी है और वन नेशन वन रेट की मांग अब कांग्रेस भी कर रही है और इसे लेकर आज राज्यपाल से भी मुलाकात करने कांग्रेस की टीम पहुंची थी कि एक ही देश में अलग अलग रेट क्यों, जो रेट से केंद्र सरकार वैक्सीन खरीद रही है उसी रेट से राज्य वैक्सीन क्यों नहीं खरीद सकते, उसी राज्य से दूसरे प्राइवेट अस्पताल भी क्यों नहीं वैक्सीन खरीद सकते, एक तीन रेट एक ही चीज के लिए क्यों तय किए गए हैं, वो भी इस वक्त महामारी के वक्त, जबकि वैक्सीन एकमात्र ऐसा उपाय नजर आ रहा है जो कोरोना से लोगों को सुरक्षित रख सकता है। तो इस महामारी में जारी सियासी संग्राम पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस से राजीव रंजन जी, साथ ही हमारे साथ जेएमएम से सुप्रियो दास जुड़े हुए हैं हमारे साथ ऐप के जरिए। सबसे पहले राजीव जी, आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, एक देश एक रेट की मांग हो रही है, कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही है, आखिर ऐसा क्यों, जब यहाँ की सरकार ने कहा था कि 18 से 45 साल के बीच के जो लोग हैं उन्हें मुफ्त में राज्य सरकार टीका लगवाएगी, फिर अचानक से केंद्र की ओर निगाहें क्यों? नहीं नहीं, ये मैं कल से देख रहा हूँ कि तमाम न्यूज चैनलों पर या मीडिया में इस प्रकार की बातें आ रही हैं। मैं आपको आज भी आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये आश्वस्त कर देता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य की जनता को आश्वस्त किया है कि हम अपने वायदे पर कायम हैं, सभी को मुफ्त में टीका लगेगा। लेकिन जो हमारा अधिकार है, झारखंड का संवैधानिक अधिकार है कि हम संघीय शासन व्यवस्था में अगर चलते हैं तो केंद्र सरकार से हम अपने अधिकार की मांग क्यों नहीं कर सकते हैं? सवाल ये कहां पर आ रहा है? देखिए, ये मिथ्या प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी जो मांग और आपूर्ति में जो गैप पैदा करके मुनाफाखोरी करने के चक्कर में जो लगी हुई है उसको ये बताना चाहिए। ये वही लोग थे ना कि एक देश एक विधान एक निशान के नारा लगाने वाले, वन नेशन वन टैक्स, तो फिर वन नेशन वन वैक्सीन क्यों नहीं, अलग अलग जगह अलग अलग कीमतें क्यों तय की जा रही हैं? ये अब तो हम एक सजग राजनीतिक विपक्ष होने के नाते बुनियादी तौर पर इस विषय को जनता के सामने लेकर के आ रहे हैं, लेकिन अब तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी अब सवाल खड़ा कर दिया है कि जागिए, कहां हैं आप, आपकी नीति और नियत क्या है, लोगों को वैक्सीन क्यों नहीं लग पा रहा है? अब तो हलफनामा अभी तक केंद्र सरकार ने दाखिल नहीं किया है कि क्यों अलग अलग दाम तय किए गए हैं, या वैक्सीन आपूर्ति या वैक्सीनेशन को लेकर के उनकी नीति और नियत क्या है, क्या एक्शन प्लान है। ये तमाम बातें जो है आज पर्दे के पीछे छुप गई है, जिस प्रकार से राज्य सरकारों के द्वारा अब ऑर्डर के बाद कंपनियां आपूर्ति नहीं कर रही, तो इसके लिए कौन दोषी है? अलग अलग दामों में मुहैया कराया जा रहा है और हम तो एक गरीब राज्य के निवासी हैं। अभी मैं देख रहा था जी। दोनों प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हो या स्वयं घोषित नेता विधायक दल जो है, अभी राजनीतिक मान्यता नहीं मिली है इसलिए क्षमा करेंगे, वो लगातार भाई रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, अभी तो लोगों को घरों पर खाना नहीं मुहैया हो पा रहा है, बिस्लेरी पीने की बात कर रहे हैं। ठीक कहा सुप्रियो दादा ने कि ये झारखंड के लोग हैं, यहां पर नल का पानी पीने वाले लोग हैं, बिस्लेरी का पानी पीने वाले लोगों का दिमाग जो है सही में गड़बड़ा गया है, और वैक्सीनेशन को लेकर के केंद्र सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी घरों में बैठ करके की जा रही है। सुप्रियो दा आरोप लगा रही है बीजेपी की, सत्ता पक्ष राजनीति कर रहा है इस पर, पहले खुद घोषणा की कि फ्री में वैक्सीन लगाया जाएगा और अब केंद्र से फिर क्यों मांग की जा रही है? देखिए आशिया जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप जो आज प्रोग्राम कर रही हैं, मेरे भाजपा के मित्रगण आए नहीं हैं, इसका मुझे अभी तक मलाल रहेगा, क्योंकि वो लोग शायद ज्यादा बोल पाएंगे कि जब मैंने केंद्र सरकार व्यापारी बन जाएगा जी, तो भी जुड़ेंगे हमारे साथ। हाँ, तो जब जुड़ जाएंगे तब ठीक है तब, लेकिन हम आपको कह रहे थे कि जब देश का सरकार, जब यूनियन गवर्नमेंट यदि व्यापारी बन जाएगा तो निश्चित तौर पे स्टेट भिखारी बन जाएगा, इस पे कोई दो मत नहीं। मैं आपको कुछ आज चीजें दिखाना चाहता हूँ। मैंने अपना जब फर्स्ट डोज लिया था
ये रिसिप्ट हमको मिला था, मैंने एक प्राइवेट हॉस्पिटल से लिया, इस पे साफ लिखा हुआ है, मैं आपको इसका व्हाट्सएप भी भेज दूंगा, कोविड 19 वैक्सीन कॉस्ट 150 और हॉस्पिटल सर्विस चार्ज 100 रुपीज। तो ये 100 रुपीज में मेरे हमको क्या क्या मिला मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये थर्मोस्टेट गन से पहले मेरा ये हुआ, टेम्परेचर चेक हुआ, उसके बाद ये ऑक्सीमीटर से मेरा ऑक्सीजन लेवल चेक हुआ, ये ब्लड प्रेशर का मशीन है, ये सभी मेरे घर पे है लेकिन फिर भी चेक हुआ जी। मेरे हाथों को सैनिटाइज किया गया, यही है सर्विस चार्ज प्लस एक कप हमको कॉफी भी पिलाए थे। तो इसलिए मैंने 250 रुपए दिया, लेकिन जो बुनियादी बात है कि 150 रुपए हमने कॉस्ट दिया था वैक्सीन का। अब क्या है कि केंद्र सरकार 150 रुपए में खरीदती है और हमको बोलेगी कि तुम 400 में ले लो, तुम 600 में ले लो, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनको कहेंगे कि आप 900 में दो। तो ये मुनाफाखोरी, ये कालाबाजारी यदि केंद्र सरकार करेगी तो राज्य सरकार तो जो भुखमरी में है, हमको 65,000 करोड़ रुपए मेरा स्टेट का जो ड्यूज है वो हमको नहीं मिला जी। हमको 1650 करोड़ रुपए जो हमारा जीएसटी का ड्यूज है वो नहीं मिला, फिर भी हम कृत संकल्पित है। लेकिन हम कहते एक बात को, मैं इसके पहले भी आप लोगों को कहा कि देखिए ये महामारी जो है एक युद्ध के समान, हमको ये जंग लड़ना पड़ रहा है। तो इसका मतलब कल के दिन में कोई दुश्मन देश हम पे आक्रमण कर दे तब हेमंत सोरेन को कहा जाए कि तुम भैया एक काम करो, तुम राफेल विमान खरीद लो, कैप्टन अमरिंदर सिंह को बोला जाए कि तुम टैंक खरीद लो, योगी आदित्यनाथ जी को बोला जाए कि तुम एक सबमरीन ले लो। तो इस तरह से कोई केंद्र सरकार चलती है क्या? पूरे दुनिया में ये जो पैंडेमिक है तो पूरे दुनिया में है, और पूरे दुनिया में जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो देश की सरकार होती है, जो भी सोवर्जन कंट्री है, उसपे वैक्सीनेशन वही देश करती है। और हम लोगों ने देखा है बचपन से, आशा जी आपको लगा है कि नहीं, आप हमसे बहुत छोटी है, लेकिन हम लोगों को यहाँ टीका लगता था और उसका दाग भी होता था और घाव भी होता था, वो सब टीका हम लोग बचपन से पोलियो का, बीसीजी का, टीपी टीका, क्या क्या टीका लगता था, बुखार भी आता था, कोवैक्सीन में भी सारे टीके फ्री होते थे। तो इसलिए हमको लगता है कि आज तक जब पैसा नहीं लगा तो ये कौन सी सरकार आ गई भी कि आप व्यापार करोगे उसका मुनाफा आप हमसे कमाओगे, आप 45 से ऊपर का वैक्सीनेशन करोगे और 45 के नीचे का राज्य करेंगे, ये कौन सा तरीका? प्रदीप जी जुड़ गए हैं, स्वागत है न्यूज 11 भारत में। ये सवाल भी जायज है, युवाओं का देश है भारत और वहां युवाओं को ही आप पैसे से टीका दे रहे हैं 45 से ऊपर मुफ्त, तो फिर बाकी को पैसे से टीका क्यों और अलग अलग रेट क्यों? ये सवाल जायज भी है प्रदीप जी, जवाब दीजिए। एक चीज राज्य सरकार को बताना चाहिए कि अभी तक जो वैक्सीनेशन हो रहा है 18+ का जी, किससे पैसा लिया गया? नहीं, 18+ और कहीं ना कहीं राज्य सरकार अपनी नाकामी छुपाने की कोशिश कर रही है जी। राज्य पैसा जी नहीं ले रही है, लेकिन टीका खरीदने का पैसा तो राज्य को देना पड़ रहा है जी। अब मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ जी कि ये सारा कुछ पैदा हुआ उन कांग्रेस नेताओं के कारण जिन्होंने पत्र लिखकर प्रधानमंत्री को कहा कि सब कुछ केंद्र अपने हाथ में क्यों रखे, राज्यों को भी करने दीजिए, राज्य भी अपने स्तर से वैक्सीन खरीदेंगे और राज्य भी लगाएंगे। केंद्र सरकार ने इनकी बात मान ली, कह दिया कि आप भी 50% प्रोक्योरमेंट कीजिए और रेट नेगोशिएट आप कर लीजिए कंपनियों के साथ। तो जब इनको सारी जमीनी स्थिति का पता चला जी, तब ये अब अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। याद कीजिए यही मुख्यमंत्री 15 दिनों पहले कहा करते थे लोगों के, राज्य की जनता से कहा कि 18 से 44 तक के लोगों का वैक्सीनेशन हम राज्य की जनता के कर के पैसों से करेंगे और अब बिल्कुल आश्वस्त रहिए। वो तो किया जा रहा प्रदीप जी, लेकिन जायज सवाल आपको नहीं लगता है? आप भी राज्य के नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं। सुन तो लीजिए ना, अच्छा सुनिए ना प्रदीप जी, आप भी सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, आपको नहीं लगता कि ऐसा क्यों होगा?
कि केंद्र एक बार सवाल तो किया, मुझे जवाब तो देने दीजिए ना। चलिए दीजिए दीजिए जी। मैं वही कह रहा हूं कि दो दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा प्रधानमंत्री को कि 1100 करोड़ खर्च होंगे वैक्सीनेशन में 18 प्लस वालों का जी। और हम ये वहन करने के स्थिति में नहीं है। जाहिर है जो वित्त मंत्री हैं सराज्य के, उन्हें सारी चीजों का आकलन नहीं किया और अपनी जिम्मेदारी निभाने में वो बुरी तरह से विफल रहे। होमवर्क नहीं किया उन्होंने, नहीं तो मुख्यमंत्री को सही सलाह देते कि इतना अमाउंट खर्च करना होगा आपको वैक्सीनेशन के लिए, तो मुख्यमंत्री अखबारों के हेडलाइंस बनाने के लिए और टीवी के सुर्खियों बनने के लिए मैं समझता हूं कि ये बयान नहीं देते। कई आरोप है, राजीव जी भी जवाब देना चाह रहे हैं, सुप्रियो जी भी जवाब देना चाह रहे हैं। पहले इन आरोपों का जवाब ले लेते हैं। राजीव जी बोलिए, कांग्रेस पर सीधे आरोप लग रहा है। देखिए, मीडिया में हेडलाइन बनने के लिए कौन बेताब रहता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, चाहे वो राज्य का भाजपा नेतृत्व हो या केंद्रीय भाजपा नेतृत्व हो। और किस प्रकार से लोगों को, देश के लोगों को और राज्य के लोगों को गुमराह किया जाता है ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि पहले आप देश की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि हमने बजटीय प्रावधान कर दिया है 35,000 करोड़ का, और हम नहीं पूछ रहे, हम तो एक सजग राजनीतिक विपक्ष होने के नाते अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी कर दिया है, अभी तक इनके लोगों ने वहां हलफनामा दायर नहीं किया है। और हम, हमारे मुख्यमंत्री ने मीडिया में हेडलाइन बनने के लिए कोई बयानबाजी नहीं की, उन्होंने जो वायदा किया आज भी उस पर कायम है, हमारी सरकार उस पर कायम है। और कौन अपनी जिम्मेवारियों को निभाने में नाकाम रहा है, इसकी 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 जवाबदारी तो अब बन रही है। और सर्वोच्च न्यायालय में क्या जवाब आता है कि किस प्रकार से अभी 16 जनवरी को टीकाकरण शुरू हुआ, 29 मई तक मात्र 4,41,00,000 लोगों को टीकाकरण डबल डोज लग पाया है। दिसंबर तक पूरी कैसे टारगेट पूरा होगा? हाँ, अब प्रकाश जावड़ेकर जी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, और बड़ी अदब के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जनाब ने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व ने कहा इसलिए हमने बातें मान ली, तो कांग्रेस के नेतृत्व ने तो कहा था कि सुनामी आने वाली है, तब तो आपने मजाक उड़ा दिया, क्यों दूसरी लहर आई? अभी तीसरी लहर की तैयारी की बात हो रही है, तो चित भी मेरा और पट भी मेरा ये चलने वाला नहीं है। सुप्रियो जी से भी जवाब लेते हैं, बोलिए सुप्रियो जी। नहीं देखिए आशय जी, मैं प्रदीप भाई को बोल दूं, हमको अच्छा नहीं लगता बीच में किसी को टोकने का, इसलिए मैं टोका नहीं। ये गलत बयानी मत कीजिए, ये बहुत सीरियस है। आप और आपके जैसे ये बाबूलाल जी के जैसे नेता लोगों का ये जो तरीका है ना, ये बहुत गलत है। किसी भी राज्य सरकार ने ये नहीं कहा था कि वैक्सीन हम लगाएंगे, ये केंद्र सरकार का प्रावधान था नंबर वन। और दूसरा था कि 19 अप्रैल कोई भी राज्य सरकार ने, प्रदीप जी आपको जितना झूठ बोलना है आप ऑन एयर झूठ बोलिए, क्योंकि बड़का झूठा पार्टी आप लोग है बीजेपी, लेकिन 19 अप्रैल को अचानक से प्रधानमंत्री आकर कह दिए कि अब से 18 से 44 साल तक का जो भी वैक्सीनेशन होगा उसको प्रोक्योर राज्य करेगा, नंबर वन। नंबर टू उन्होंने क्या कहा कि रेट का नेगोशिएशन हम करेंगे। नंबर थ्री उन्होंने क्या कहा कि डोजेस का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हम करेंगे, राज्य नहीं करेगी। हम लोगों ने 5 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर देकर, कभी हमको मिलता है 5 करोड़ डोज का ऑर्डर देके, कभी मिलता 2 लाख, कभी मिलता है 1,70,000। तो इस तरह से क्यों बयानबाजी करते? अरे अरे, आप लोगों का झूठ पकड़ा गया है। प्रधानमंत्री जी पहले तो मतलब मुंह छुपाते थे वो कोरोना के कारण, अब तो सच्चाई में ये सामने आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी का हर व्यक्ति को मुंह छुपा के चलना पड़ रहा है, कोई केंद्रीय मंत्री आके बोल नहीं रहा है। अरे अब तो आप लोग कम से कम झूठ को स्वीकार कर लीजिए और सच बोलिए। देखिए, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, कोरोना किसी भी परिवार में हो, लेकिन कोरोना भी देख के नहीं होगा कि वो भाजपा को नहीं होगा, वो जेएमएम को होगा, कांग्रेस को होगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो कम से कम उस कोरोना से तो डरिए, हम लोग से मत डरिए, क्योंकि आप लोग शक्तिशाली लोग हैं। प्रदीप जी, आप पर अब आरोप लगे हैं, बीजेपी बड़का झूठा पार्टी, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री ने खुद घोषणा की थी और सही में ये घोषणा आपको भी याद होगा, प्रधानमंत्री ने कहा था 44 साल के ऊपर के लोगों को तो केंद्र की तरफ से टीका लगाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद वो राज्य की जिम्मेदारी है। तो क्या झारखंड राज्य आपको लगता है सभी के लिए पॉसिबल है, 18 प्लस वालों के लिए, कि हर कोई 1,000-1,500 रुपए देकर प्राइवेट क्लिनिक में जाके ये टीका लगवाता? आशय जी, एक चीज मैं आपसे अनुरोध करूंगा
कि मेरे विरोध में दो लोग बोल रहे हैं, जितना समय उनको दिया मुझे अकेले दीजिएगा, तो जवाब दोनों का देना है। अब आपने जो प्रश्न किया कि क्या पैसा देकर लोग वैक्सीन लगवा पाएंगे, अब तक जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं क्या वो पैसा दे रहे हैं? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि भ्रम जो फैला रहे हैं लोग ना, उनको बाज आना चाहिए। जो 48 लाख वैक्सीन राज्य को दिए गए, कितने पैसे का भुगतान किया? 18 प्लस वालों की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, 44 प्लस वालों की बात नहीं कर रहे, 45 प्लस वालों की बात नहीं। 18 प्लस ना, आप ही से मैं पूछ रहा हूँ, आप ही से पूछ रहा हूँ, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि 18 प्लस वालों को कहाँ वैक्सीनेशन के लिए पैसा देना पड़ा, आप बता दीजिए। ये राज्य सरकार ने मुफ्त घोषणा की है तो वो मुफ्त वो टीका ले रहे हैं। राज्य सरकार ने मुफ्त घोषणा की जी, और जो इन लोगों ने प्रोक्योरमेंट के लिए जो ऑर्डर प्लेस किया, जो पैसा दिया, अभी सुप्रियो जी बोल रहे थे कि हमने प्रोक्योरमेंट के लिए पैसा दिया जी, तो अगर मान लीजिए इनको पर्याप्त ऑर्डर नहीं मिल रहा है कंपनियों से, तो उन कंपनियों से बात करें, पैसा इन लोगों ने दिया है, कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने साइन किया है, तो इसमें केंद्र सरकार कहां से आती है? जाहिर है आपकी साख नहीं है। चलिए, तो केंद्र सरकार देने के बाद भी आपको लोग विश्वास नहीं करते, यहां पर रोक रहे हैं। सुप्रियो दा, प्रदीप जी कह रहे हैं केंद्र सरकार बीच में नहीं आती। नहीं नहीं प्रदीप जी, फिर आपके पास लौटूंगी प्रदीप जी, इसका जवाब ले लेती हूं पहले। नहीं नहीं, इस तरह दो लोग खिलाफ में बोलेंगे, मुझे समय नहीं देंगे आप, मुझे छोड़ दीजिए ना, आप छोड़ दीजिए, इस तरह से डिबेट नहीं होगा। एक तो मुझे सवाल करने में बीच में भी टोकेंगी। चलिए चलिए प्रदीप जी, आपको आपको पूरा समय मिलेगा, लेकिन आपके जवाब से ये सवाल निकल रहा है। बोलिए प्रदीप जी, तरीका सही नहीं है। राज्य सरकार को ये अधिकार नहीं है कि कंपनी से बात करे। अब मैं बता रहा हूँ, राज्य सरकार के पास ये अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने जवाब नहीं दिया, इनको मालूम होना चाहिए कि अभी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय बाकी है, केंद्र सरकार अपना हलफनामा भी दाखिल करेगी, सवाल उठाए गए हैं। और जहाँ तक आज इन लोगों ने राज्यपाल को जाकर राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है, वन नेशन वन वैक्सीनेशन, ये तो वही कांग्रेस पार्टी है ना जो कि वन नेशन वन टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स बताती थी। और इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या एक देश में एक कानून नहीं होना चाहिए? सभी समाज के लिए अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? जब कानून होना चाहिए तो एक देश में कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं होना चाहिए? प्रदीप जी, कॉमन सिविल कोड हो, नहीं नहीं, जब एक कानून होना चाहिए तो वैक्सीन क्यों नहीं होना चाहिए? अपनी बारी में भी बोलेंगे, मेरी बारी में भी बोलेंगे, नहीं यही बात कह रहा हूं, अपनी बारी में भी बोलेंगे, मेरी बारी में भी बोलेंगे, सुविधा के अनुसार राजनीति नहीं चलती है। आप इतने ज्ञानी नहीं हुए हैं कि मैं आपका नहीं, वही बात बता रहा हूं मैं कि आप अपनी बारी में भी बोलेंगे, मेरी बारी में भी बोलेंगे, अभी आप इतने ज्ञानी नहीं हुए हैं कि आपका मोनोलॉग मैं सुनूं बैठ के यहाँ पर। नहीं नहीं, तो आप भी इतना ज्ञान बखारने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो मैं आपका ज्ञान सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं अपनी बातों को रखने के लिए बैठा हूँ, मैं प्रतिकार करूंगा। आप अगर गलत बोलेंगे तो मैं प्रतिकार करूंगा। बहुत दिनों तक भारतीय जनता पार्टी का झूठ देश की जनता, झारखंड की जनता ने सुन लिया। अब भारतीय जनता पार्टी का बड़का झूठ जो है वो राज्य की जनता और देश की जनता सुनने वाली नहीं है। इतने ज्ञानी नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लोग। और अब सर्वोच्च न्यायालय में भी जवाबदारी बन रही है। आप ये बताइए कि आपके स्वास्थ्य मंत्री ने, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने जो बयान दिया कि देखिए आपूर्ति आपूर्ति जब नहीं करवा पा रहे हैं ना, देश की सत्ता आप संभाल रहे हैं ना, व्यवस्था आप संभाल रहे हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि राज्यों को टीका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन प्लान किया जाए। आपके स्वास्थ्य मंत्री ने 16 अप्रैल को आकर के सार्वजनिक रूप से वादा किया था कि हमारे पास टीका डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा प्लान है, आप वो प्लान बता रहे हैं क्या? प्रदीप जी सफाई देंगे आपकी बातों पर। प्रदीप जी, राजीव जी, एक मिनट, सुप्रियो दा कुछ कहना चाह रहे हैं। आरोप आपने लगाया कि केंद्र ने कहां रोका है, वो आपकी साख नहीं है कि टीका आप नहीं मंगवा पा रहे, इसका जवाब सुप्रियो दा देंगे। आसिया जी, अपनी अपनी बारी में लोग बोले जी, चलिए चलिए आगे से कोशिश होगी। चलिए सुप्रियो दा का जवाब ले लीजिए प्रदीप जी, है ना? हाँ जी 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 जी, नहीं देखिए, देखिए ये वैक्सीन पे जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ है, ये कंफ्यूजन कब हुआ है आपको मालूम है? ये कंफ्यूजन हुआ है प्रधानमंत्री जी एक दिन में, फरवरी के महीने में, वो सॉरी जनवरी के महीने में वो दो प्लांट गए थे, एक भारत बायोटेक गए थे, एक सीरम इंस्टीट्यूट गए थे, और उन्होंने दोनों प्लांट का निरीक्षण किया। उस दिन सारा मीडिया प्रधानमंत्री को वैक्सीन गुरु बना दिया, विश्व का वैक्सीन का देशी खोज हो गया।
जब बातें धीरे धीरे सामने आई कि इसमें भारत सरकार ने एक पैसा भी नहीं लगाया, ये सुप्रीम कोर्ट में उनका हलफनामा है, और इसका जो इंटेलेक्चुअल राइट है, जो प्रॉपर्टी राइट है, कॉपीराइट है, वो एस्ट्राजेनेका के पास में है, इसलिए कोविशील्ड का एस्ट्राजेनेका उसको कंट्रोल करेगी, और इसका भी राइट जो है कोवैक्सीन का, इसका भारत बायोटेक के पास है जी। उसी समय आपको याद होगा, मैं याद दिलवा दूं क्योंकि ये सब बातें याद रखनी पड़ती है, कि आडार पूनावाला ने एक बयान दिया था। वो बयान क्या था कि कोवैक्सीन केवल डिस्टिल वाटर है, उसमें तो वैक्सीन का कोई गुण ही नहीं है। तो उसके बाद, क्योंकि पहले उनको इमरजेंसी ट्रायल का पहला ये ऑर्डर मिला था आईसीएमआर से जी, आपको कोविशील्ड को जी, तो उस पर ये विवाद हुआ था। इसी के कारण ये आधार पूनावाला आखिर है कौन, उसका किसके साथ क्या लिंक है? देखिए, मुझे इस बात को नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम लोगों को भी पता है कि आधार पूनावाला किसके कहने पर यहां से जाकर लंदन बैठ गए हैं। तो सारी बातें यदि पोल पट्टी खोल दिया जाए, प्रदीप जी, हमको नहीं लगता कि, देखिए, देश के प्रधानमंत्री की अपनी एक सम्मान है, अपना एक गरिमा है, लेकिन जिस प्रकार से उनका व्यापारी मन सामने आया है कि इसमें भी हमको व्यापार करना है, इस आपदा में भी अवसर खोजना है, कि हमको 150 का वैक्सीन को 600 रुपए में बेचना है, 900 रुपए में बेचना है, 2200 रुपए में बेचना है, तब तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। अब प्रधानमंत्री यदि व्यापारी बन जाएंगे तो हम सब जनता भिखारी बन जाएंगे। ये तो चाणक्य भी ने कहा था कि जिस देश का राजा व्यापारी होगा उस देश की प्रजा भिखारी होगी, तो वही तो चरितार्थ हो रहा है, तो हम लोग उसी का दर्श भोग रहे हैं। अब सुप्रियदा प्रदीप जी से जवाब लेते हैं। प्रदीप जी बोलिए। नहीं, सुप्रिया जी ने क्या बोला वो स्पष्ट सुनाई नहीं दिया, इसलिए मैं सवाल नहीं समझ सका उनका, जरा आप उसको ब्रीफ कर दें। देखिए, सुप्रियोदा ने कहा कि कंफ्यूजन हुआ है जब पीएम ने दोनों वैक्सीन प्लांट्स का निरीक्षण किया, और ये हलफनामा में कोर्ट में दायर भी किया गया है कि इसमें केंद्र सरकार का सहयोग है नहीं, ये दोनों लैब अपने अपने तरीके से, अपने अधिकार क्षेत्र से, या कहें उनका पेटेंट है जो वैक्सीन वो बना रहे हैं, इसमें केंद्र का सहयोग है नहीं। और कनेक्शन की बात उन्होंने की है, आधार पूनावाला से किसका कनेक्शन है, आप समझ सकते हैं। वैक्सीन की जो किल्लत हो रही है, जो जितने डिमांड की जा रही है वो नहीं मिल रही है, इस पर लेकर ये कटाक्ष था, इस पर ये इशारा था। बताइए प्रदीप जी। जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि सुप्रियो जी ने तो कह दिया कि आधार पूनावाला का कनेक्शन किससे है। राज्य की जनता बार बार पूछ रही है कि पंकज मिश्रा का कनेक्शन किससे है, ये तो बताते नहीं है। हमारे प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल जी प्रश्न करते हैं तो उन्हीं पर प्रतिप्रश्न किया जाता है, सरकार तो इनकी है, तो ये जांच करवा लें कि बाबूलाल जी किसको संरक्षण दे रहे हैं और एक इनको संरक्षण दे रहे हैं, संथाल परगना में किसके संरक्षण से लूट चल रही है, इनको भी जवाब देना चाहिए। अब आता हूं वैक्सीन की बात पर जी। हमने पहले ही कहा था कि 35,000 करोड़ की जो बात बार बार उठाई जाती है विपक्षियों के द्वारा कि 35,000 करोड़ ईयर मार्क्ड है फॉर वैक्सीनेशन, हम आपको देंगे, लेकिन इनको ऐसा लगने लगा कि सारा क्रेडिट तो मोदी जी को चला जाएगा, तो हम कहां फिर रहे इसमें, तो इसलिए इन लोगों ने बीच में कूदा, इनके नेता राहुल गांधी ने, और चिट्ठी लिख के बोला प्रधानमंत्री जी को, राज्यों को भी अधिकार दे दीजिए। एक बात का बीच में जवाब देना चाहूंगा जी, कि हम सिर्फ सफाई दें और इनके राज्य के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के हों, राजस्थान के हों, पंजाब के हों, ये प्रेस रिलीज करके कहें कि हम अपने राज्य में कोवैक्सीन नहीं लगने देंगे, क्लिनिकल स्टेज के ट्रायल नहीं हुए, और ये गिनी पिग बनाने के लिए है, किसी ने कहा कि नहीं, नपुंसकता बढ़ा देगी ये, और ये कांग्रेस पार्टी जिसके साइकिल के कैरियर में बैठ के घूम रही थी ना यूपी में, उन्होंने कहा ये तो बीजेपी का वैक्सीन है जी, हम तो लगाते नहीं, जब अपनी सरकार आएगी तो हम वैक्सीन बना लेंगे। आज इन्हीं के इन बयानों का नतीजा है कि झारखंड सरकार को भी कठिनाइयां फेस करनी पड़ रही है ग्रामीण क्षेत्र में, तो ये बयानों स्वास्थ्य कर्मियों को दौड़ाया जा रहा है, टांगी लेके एक महिला को दौड़ाया गया, सहिया कर्मी को, इनके आज स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे ग्रामीण क्षेत्रों में। चलिए एक छोटा सा रिएक्शन राजीव जी से, चूंकि वक्त भी कम है। अभी चर्चा कर रहे थे ना, बिहार की चर्चा कर लेना, आज ही वहां पर भी वो कर्मचारियों को दौड़ाया गया,
सवाल ये होता है कि जब अपनी अकर्मण्यता हो जाती है, पंजाब में जाकर देखो, पंजाब में तो तुम्हारी वैक्सीन बेच दी मुख्यमंत्री ने प्राइवेट हॉस्पिटल को, प्राइवेट हॉस्पिटल को वैक्सीन बेच दी पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने, 400 रुपए की वैक्सीन खरीदी, 1550 में बेच, 1550 में बेच रहा है। अरे प्रधानमंत्री बेच रहे हैं, 150 सीधा कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट है, आप खरीदेंगे आपको 400 में मिलेगा। बिहार में क्यों बढ़ाया जा रहा है, आपकी कूबत है, आप नेगोशिएट कीजिए कंपनियों के साथ, दे दिया ज्ञान बांट रहे। हम तो झारखंड में है ना, हम झारखंड के प्रवक्ता हैं, तो फिर आप भी झारखंड के प्रवक्ता हैं, बताइएगा राज्य में क्यों दौड़ाया जा रहा है, चलेगा बिहार चिंता करने के लिए, छत्तीसगढ़ की बात क्यों कर रहे हैं। प्रदीप जी आप सवाल उठाएंगे, आप सवाल उठाएंगे तो मैं भी उठाऊंगा। प्रदीप जी उठाएंगे तो मैं उसका काट करूंगा, आप अगर गलत बोलेंगे तो मैं प्रतिकार करूंगा, मैं आपका यहाँ प्रवचन सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। ठीक है, आपका अधिकार है, आपका अधिकार है, मैं भी आपका कोई मौन सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ, और आप इतनी ज्ञानी भी नहीं है कि मैं आपका मौन सुनूं। समाप्त करने के लिए बार बार इशारा मिल रहा प्रदीप जी, अब बस थोड़े से वक्त, ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी है, क्या एक देश, मुझ पर ये बात मत बोलिए, आपको मैंने पहले ही बता दिया, मैंने आपका प्रवचन सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं बुलाया गया हूं। क्या एक देश में एक रेट नहीं होना चाहिए प्रदीप जी, बहुत छोटे में, हाँ या ना में, क्या एक देश में, मैं तो दो लोगों के सवाल का जवाब दे रहा हूँ, अकेला व्यक्ति दे रहा हूँ, चलिए बहुत ही जवाब दे रहा हूँ, इसका जवाब दे दीजिए, एक देश में एक रेट होना चाहिए या नहीं, बस हाँ या ना में, एक देश में एक देश में एक टैक्स होना चाहिए नहीं, किसने गब्बर सिंह टैक्स कहा था उनसे पूछे, उनसे पूछिए, जवाबदारी नहीं बनती है ना, उनसे पूछिए, वैक्सीन की बात आ रही है, एक देश में नागरिकों के लिए एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कॉमन सिविल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसी प्रकार से ये बगले झांकते हैं, नहीं नहीं, एक देश में नागरिक कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सारी बातें सामने आती रहेंगी, कॉमन सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सुप्रियो दा बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।